हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टार्स। तो आज हम आपके लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने की तैयारियां कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं विद आंसर्स जो कि इंग्लिश में हैं। तो आप इस वीडियो से अपने आप अपनी ब्रेन पावर, अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग हो सकती है। वीडियो को प्लीज़ एंजॉय करने के लिए एंड तक ज़रूर देखना। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन इंग्लिश हेल्प्स यू फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक? सो द आंसर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर टू, हु इज नोन एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? चित्रंजन दास। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु इज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट हैपेंड टू नेताजी? बुक ऑथर्स नेम, अनुज धर। क्वेश्चन नंबर फाइव, द निशांत गार्डन ऑफ कश्मीर वॉज बिल्ड बाय? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट? बरेली। सेवेंथ, विच डिजीज इज नोन एज जर्मन मीजल्स? रुबेला। एट्थ, द रिवर आइलैंड मजूली इज इन? द ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर नाइन, हु इज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर टेन, यंग इंडिया बुक इज रिटर्न बाय? लाला लाजपत राय इन 1960। क्वेश्चन नंबर 11 इज, गौड़िया नृत्य डांस फेमस इन विच स्टेट? आंसर इज वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 12, द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर लोकेटेड एट? देहरादून। क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट इंडिया विंस फ्रीडम इन 1957? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल चिल्ड्रंस म्यूजियम इज सिचुएटेड एट? न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट हिंद स्वराज बुक इन 1909?
महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 16, हु रोट द अनटचेबल्स बुक? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। 17th, कैरेट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड एट? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक रिटर्न बाय? जवाहरलाल नेहरू इन 1946। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्म समाज फाउंडेड बाय? राजा राम मोहन रॉय इन 1828 इन कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 21, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय? बेक्यूरेल। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द गुरु ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर? ज्योति राव गोविंद राव फूले। क्वेश्चन नंबर 23, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड बुक रिटर्न बाय? सरोजनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? स्वामी विवेकानंद इन 1897। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द फाउंडर ऑफ भारत महिला परिषद? रामाबाई, वाइफ ऑफ एम जी रानाडे। क्वेश्चन नंबर 26, द मनुस्मृति दहन दिवस यानी मनुस्मृति बर्निंग डे इज ऑन 25th दिसंबर 1927। क्वेश्चन नंबर 27, हु वॉज नोन एज अकबर ऑफ ब्रिटिश इंडिया? रिचर्ड वेल्सले। क्वेश्चन नंबर 28, कॉन्स्टिट्यूशन डे वॉज ऑब्जर्व ऑन नवंबर 26। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड बाय? गोपाला कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 30, हु रोट द इंडियन स्ट्रगल बुक? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 31, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप वेन्यू? कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 32, हु रोट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक? वी डी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 34, आर्य समाज इस्टैब्लिश्ड बाय? दयानंद सरस्वती इन गुड़गांव। क्वेश्चन नंबर 35, WWW वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंटेड बाय? टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 36, नॉकआई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन
उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 37, नाबार्ड हेडक्वार्टर लोकेटेड एट मुंबई। इंटरनेट इन्वेंटेड बाय विंड सर्फ। क्वेश्चन नंबर 39, ईबीटी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट्स ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 40, ईमेल इन्वेंटेड बाय वी ए शिवा अय्यदुराय। क्वेश्चन नंबर 41, सेल फोन इन्वेंटेड बाय मार्टिन कूपर। क्वेश्चन नंबर 42, हु इन्वेंटेड ब्लूटूथ, डॉक्टर जाप हार्टसेन। क्वेश्चन नंबर 43, आई एफ एस C code contain how many digit? 11 alpha numeric code. Question number 44, Jai Hind slogan given by Subhash Chandra Bose. Question number 45, father of computers Charles Babbage. Question number 46, World Citizen Day November 19. Question number 47, full form of IRDA Insurance Regulatory and Development Authority. Question number 48, Ethernet invented by Robert Metcalfe. Question number 49, McMahon line is between which two countries? India and China. And the last question, 50, which organization collect and publish financial data? NSSO, National Sample Survey Organization. So guys, this is all for today's video. I hope you enjoy the video. If you like the video, then please like, share and subscribe our YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for more updates. Thank you.